सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ, मेरी तोमर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्य में जनविश्वास यात्राओं के जरिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आज से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुकी है। लखनऊ के बालू अड्डा से इस अभियान की शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद लोगों के घर घर जाकर उनका तिलक किया और उनका सुझाव ले रहे हैं। उनका मानना है कि 300 से ज्यादा के नारे के साथ जनता का आशीर्वाद लेकर योगी जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए खास पैम्पलेट भी तैयार किए गए हैं। उसका स्लोगन पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास दिया गया है। अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डोर टू डोर प्रचार अभियान में जुट गए हैं। साथ ही जनता के बीच मोदी योगी सरकार की नीतियों और कार्यों की जानकारी दे रहे हैं और इसी तरह इस जनसंपर्क अभियान में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पांच पांच व्यक्तियों का समूह बनाकर राज्य के 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएंगे और 403 विधानसभा क्षेत्रों में सघन संपर्क अभियान चलाएंगे। इसी बीच संपर्क टोली प्रदेश के 3 करोड़ लाभार्थियों से बात भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनविश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद और जन समर्थन एक तरह के विशाल रूप लिया और रैलियां भी संपन्न हुई, रोड शो भी हुआ, कार्यक्रम में स्वागत हुए जबरदस्त। उसी के साथ हम लोग मूर्तियों के सम्मेलन साथ साथ किए जिसका विश्वास हमें बार्जित किए और लोगों का समर्थन। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों को हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो घर घर संपर्क करने का काम। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ से संवाददाता रजत सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, आज बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है घर घर जाकर 300 पार के नारे के साथ। किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है और क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं तो लोगों में कितनी उत्सुकता, लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, कल ही ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी जनसभाओं पर और रैलियों पर रोक लगा दी थी और जनसंपर्क के लिए 5 लोगों की सीमा तय करती थी, उसी के तहत पार्टी ने फैसला लिया और उसकी शुरुआत आज लखनऊ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की। और निश्चित ही लोगों में उत्साह है। पार्टी का जो नेतृत्व है, जो पार्टी कार्यकर्ता है, सबसे पहले उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। कहीं ना कहीं उनके घर पर पहुंचकर उनकी सहमति से स्टिकर लगाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ पत्रक दिए जा रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार जो 7 साल की मोदी सरकार रही उसने अब तक क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए और 5 साल की योगी सरकार ने क्या किया, इन उपलब्धियों को बताया जा रहा है और साथ ही साथ जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। और इससे जनता में एक खुशी की बात देखी जा रही है, एक खुशी महसूस की जा रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो सरकार के लोग हैं वो उनके घर पे आ रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आपको और क्या क्या चीजें की जरूरत है, आपको जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई थी वो मिली कि नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये पूरा अभियान एक लंबे समय तक चलने वाला है, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जाएगा और इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी के विधायक हो चाहे सांसद हो, वो सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में वो रहते हैं जहां से वो निर्वाचित हुए हैं, जहां के पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और इसके साथ साथ आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन पहले चरण में जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनके घरों पर जाने का सिलसिला आज सुबह से शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ लखनऊ में जो विधि और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है, उन्होंने भी इसकी शुरुआत कर दी है और अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के पास घर घर जाकर मिल रहे हैं।
बिल्कुल, और जिस तरीके से फिलहाल, क्योंकि देखिए अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि 15 जनवरी तक प्रचार प्रसार तो नहीं करना है, तो ऐसे में ये बात हो रही है कि जो बीजेपी है वो डिजिटली तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है और अन्य जो पार्टियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने जो ये जनसंपर्क अभियान शुरू किया है इसके जरिए उन्होंने बाकी और पार्टियों के सामने कह सकते हैं कि एक नजीर पेश कर दी है कि भैया डिजिटल ही जरूरी नहीं है, आप चाहे तो किसी और रणनीति के साथ भी लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं। लेकिन निश्चित ही जिस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइन आई थी कि 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल या एक सदस्य, 5 सदस्यीय समिति कमेटी या छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की एक टोली जा सकती है, और इसकी शुरुआत कहा जा सकता है कि इसके पहले कि उत्तर प्रदेश के अन्य दल करते, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि इसके पहले भी तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई थी और उनके जरिए तमाम तरह की जनसंपर्क अभियान चले थे और उनके जरिए पार्टी की जो सरकार की योजनाएं थी, जो उपलब्धियां थी, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन अब ये व्यक्तिगत रूप से कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं की टोली, 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली लोगों के घर जाएगी, उसमें पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे, विधायक भी शामिल होंगे, सांसद भी शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक अच्छा माहौल, फीडबैक देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने खुद देखा कि उनको ये लग रहा है कि जो पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उनके घरों पर आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और योजनाओं में कितना उनको लाभ मिला इसका फीडबैक भी ले रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार दी। बिल्कुल, चलिए रजत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम।